हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रिया और आज का हमारा टॉपिक है हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में HDFS भी बोलते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि HDFS हडूप का डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है। अब सवाल ये है कि लोकल फाइल सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम में क्या डिफरेंस है। आपके समझने के लिए आप सोचो, आपका कंप्यूटर या लैपटॉप लोकल फाइल सिस्टम का एग्जाम्पल है और डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम तब बनता है जब बहुत सारे लैपटॉप या कंप्यूटर को एक साथ एक नेटवर्क में जोड़ दिया जाए। अब हम लोग दोनों फाइल सिस्टम को स्टोरेज और प्रोसेसिंग के तरीके से समझेंगे। तो पहला देखते हैं लोकल फाइल सिस्टम। सोचो आपके पास एक फाइल है जो कि 30 TB साइज का डेटा है। अब इसे हम लोग जब लोकल फाइल सिस्टम में स्टोर करेंगे तो फाइल का सारा डेटा एक सर्वर में जाके स्टोर हो जाएगा और इस डेटा को प्रोसेस करने में लोकल फाइल सिस्टम को मान लो 3 घंटे का समय लगता है। तो 30 TB के डेटा को 3 घंटे में प्रोसेस करके हमें आउटपुट मिल जाता है। सेम फाइल जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम में स्टोर या प्रोसेस करना चाहेंगे तो कुछ इस तरह से डेटा को स्टोर और प्रोसेस किया जाता है। तो हमारे 30 TB साइज के फाइल को स्प्लिट करके 3 भाग में डिवाइड किया गया और 10-10 TB के साइज के डेटा को अलग अलग सर्वर में स्टोर किया गया। तो डेटा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से स्टोर हो रहा है। हमने सारे डेटा को किसी एक सर्वर पर नहीं रखा बल्कि हमने इस डेटा को डिवाइड करके या स्प्लिट करके बहुत सारे सर्वर में स्टोर किया। अब यह सारा सर्वर के पास स्मॉल चंक ऑफ डेटा है या आप बोल सकते हो स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डेटा है। तो सारे सर्वर एक साथ प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे जो कि पैरेलल प्रोसेसिंग आप यहाँ देख पा रहे हो। जब सारे सर्वर एक साथ प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे तो ये काम कंप्लीट हो जाता है 1 घंटे में। आप यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम में प्रोसेसिंग 1 घंटे में ही कंप्लीट हो जा रहा है जो कि लोकल फाइल सिस्टम के कंपैरिजन में बहुत कम है। इसीलिए लार्ज डेटा सेट को हैंडल करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम बहुत फायदेमंद होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज इन हडूप। हडूप में डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज के पार्ट को संभालता है HDFS और HDFS का काम होता है फाइल और डायरेक्टरी में डेटा स्टोरेज को मैनेज करना। अब हम लोग एक एग्जांपल से HDFS का डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज अप्रोच को समझेंगे। सोचो एक यूजर है जिसके पास 500 MB वॉल्यूम का डेटा है और इसे ये डेटा HDFS या फिर हडूप में स्टोर करना है। ये डायग्राम 3 सर्वर को दिखाता है। यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने फिजिकल मशीन दिखाया है, मतलब ये लोकल डिस्क है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम में डेटा को ग्लोबली स्टोर किया जाता है, मतलब किसी एक लोकेशन पर ये सारे सर्वर नहीं होते हैं। ग्लोबली इन्हें अलग अलग लोकेशन के सर्वर में या लोकल डिस्क में डेटा को स्टोर किया जाता है। सोचो ये तीनों सर्वर अलग अलग लोकेशन में है, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई। तो ये तीनों सर्वर 3 अलग अलग लोकेशन के लोकल डिस्क में रखा हुआ है। मान लेते हैं यूजर का लोकेशन मुंबई है, इसीलिए HDFS फाइल का एक कॉपी यूजर के लोकेशन मतलब मुंबई में लोकल डिस्क में स्टोर करेगा ताकि डेटा कम समय में यूजर एक्सेस कर सके और फाइल का मिनिमम एक कॉपी किसी दूसरे लोकेशन में स्टोर किया जाएगा, जैसा कि यहाँ पर हमारा एग्जांपल है चेन्नई और दिल्ली, ताकि अगर किसी कारण से मुंबई सर्वर से डेटा लॉस हो जाए तो डेटा को फिर से कॉपी करके दूसरे लोकेशन से यूजर के लोकेशन में लोकल डिस्क में रखा जा सके। तो इस तरह से HDFS में डेटा को स्टोर किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से। आई होप आपको समझ में आ गया है और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इस तरह से डेटा को स्टोर करने के तरीके को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज। हडूप इकोसिस्टम में HDFS स्टोरेज का काम संभालता है। HDFS के स्टोरेज का आइडिया गूगल फाइल सिस्टम से मिला। सो गूगल फाइल सिस्टम का वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। HDFS डेटा स्टोरेज के लिए कमोडिटी हार्डवेयर का यूज करता है और HDFS हाईली फॉल्ट टॉलरेंट होता है, इसीलिए डेटा सिक्योर रहता है। HDFS यानी हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम को जानने के लिए कुछ और कॉमन टर्म्स को जानना जरूरी है जो कि हम लोग HDFS के सेशंस में यूज करेंगे। आइए जानते हैं। पहला है क्लस्टर। क्लस्टर क्या है? तो जब बहुत सारे सर्वर या मशीन को एक साथ नेटवर्क के थ्रू जोड़ा जाए तो इस कलेक्शन ऑफ मशीन्स को बोलते हैं क्लस्टर और ये क्लस्टर डेटा को डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से स्टोर करता है और इस डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज को मैनेज करता है HDFS। दूसरा है कि HDFS और गूगल फाइल सिस्टम आपस में कैसे रिलेटेड है। तो जैसा कि हमने जाना कि हडूप को डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज का आइडिया मिला गूगल फाइल सिस्टम से,
गूगल फाइल सिस्टम की तरह HDFS भी मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर को फॉलो करता है, जिसके अकॉर्डिंग मास्टर नोड सारे स्लेव नोड को मॉनिटर करता है। यहाँ पर आपको और भी कुछ टर्म्स दिखाई देंगे, जैसा कि डेटा नोड, स्लेव नोड, नोड मैनेजर, रिसोर्स मैनेजर, तो ये सारे हडूप के डेमन्स कहलाते हैं। अगर आपको इनको डिटेल में जानना है तो आप हडूप डेमन्स वाले सेशन को देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और तीसरा है, डेटा नोड या स्लेव नोड बनता है कमोडिटी हार्डवेयर से, क्योंकि कमोडिटी हार्डवेयर इजीली एक्सेसिबल होते हैं और सस्ते भी होते हैं। और जैसा कि हमें पता है कि कमोडिटी हार्डवेयर सस्ता होने के कारण कभी भी क्रैश हो सकता है, पर हडूप का फॉल्ट टॉलरेंस फीचर हमारे डेटा को हमेशा सिक्योर रखता है। ये सेक्शन में हम लोग HDFS के कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो पहला है, HDFS का प्राइमरी गोल है लार्ज डेटा सेट को हैंडल करना। स्मॉल फाइल्स के लिए HDFS को प्रेफर नहीं किया जाता है। HDFS राइट वंस रीड मेनी कंसेप्ट को फॉलो करता है, मतलब आप हडूप में डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। इसके बारे में हम लोग आगे के सेशन में समझेंगे। HDFS डेटा स्टोरेज के लिए चीप हार्डवेयर को प्रेफर करता है, क्योंकि ये सस्ते होते हैं, जैसा कि हमने कुछ देर पहले जाना। और हडूप का फॉल्ट टॉलरेंस फीचर हमारे डेटा को सिक्योर रखता है। अभी हम लोग कुछ ऐसे सिनेरियोस को देखेंगे जहां पर HDFS को प्रेफर नहीं किया जाता है। तो पहला है, लो लेटेंसी डेटा एक्सेस। HDFS लो लेटेंसी डेटा एक्सेस के लिए सूटेबल नहीं है। पहले ये जानना जरूरी है कि लेटेंसी क्या है और थ्रूपुट क्या है। हडूप एडवांटेजेस वाले सेशन में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। लेटेंसी ये बताता है कि कितने टाइम में डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। HDFS में डेटा एक्सेस टाइम ज़्यादा है, क्योंकि HDFS हाई थ्रूपुट को इम्पोर्टेंस देता है लेटेंसी को दांव पर लगाकर। हाई थ्रूपुट मतलब हाई परफॉर्मेंस। जैसा कि हमें पता है, HDFS में बहुत सारे डेटा को स्टोर किया जाता है या फिर लार्ज डेटा सेट को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो HDFS में लेटेंसी लो रहता है। दूसरा है, HDFS स्मॉल फाइल्स के लिए अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि HDFS में फाइल डेटा के साथ साथ मेटा डेटा को भी स्टोर किया जाता है, इसीलिए जितना ज़्यादा फाइल उतना ज़्यादा ही मेटा डेटा फाइल क्रिएट होगा, और इससे इन मेटा डेटा फाइल्स को मैनेज करने में नेम नेट को अलग से ट्रबल होता है। और जैसा कि हमें पता है कि नेम नोड डेमन मेटा डेटा को मेमोरी में स्टोर करता है, इसीलिए जितना ज़्यादा मेटा डेटा फाइल उतना ज़्यादा मेमोरी चाहिए, और इससे कॉस्ट बढ़ जाएगा। तीसरा है, हडूप में स्टोर किया हुआ डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि हडूप राइट वंस रीड मेनी कंसेप्ट को फॉलो करता है। HDFS में राइट ऑपरेशन एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि जब भी किसी डेटा में चेंजेस होगा तो आपको उस डेटा के सभी बैकअप कॉपी में चेंज करना होगा अक्रॉस द क्लस्टर, तो ये एक एक्सपेंसिव ऑपरेशन है। आज के सेशन में हमने हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम के ओवरव्यू को देखा, साथ साथ कुछ नए टर्म्स के बारे में जाना और उन डायग्राम के जरिए उन टर्म्स को समझा। और इसके अलावा हमने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जाना और HDFS के क्या क्या लिमिटेशंस हैं ये भी देखा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।